नमस्कार दोस्तों, नॉलेज कट्टा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज, जो कि जनरल स्टडीज का पार्ट है, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं उससे UCCN, इसका मतलब है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, उसके बारे में हम आज देखने वाले यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो क्या है ये नेटवर्क दोस्तों? यूनेस्को हैज क्रिएटेड दिस नेटवर्क। सो इनिशियली वी विल सी what is UNESCO and then we will see the UCCN, because UNESCO has created it and we should know initially what is UNESCO. So we will see first what is UNESCO. In various exam you may be asked the long form of UCCN, UNESCO. So we will see UNESCO. Now we will see UNESCO. UNESCO. What is the long form of UNESCO? UNESCO is United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना establishment, यूनेस्को was established in 16 नवंबर 1945 and इट्स हेडक्वार्टर यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस में पेरिस सिटी में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। जो यूनेस्को, इट्स मेन मोटो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज टू डेवलप द कोऑपरेटिव नेचर and cultural educational nature in the various cities of the world and for sustainable urban development. UNESCO was established by United Nations organization जो है, जो United Nations है, उन्होंने UNESCO को establish किया था। This was the main motto, that sustainable urban development थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। सो दिस वॉज द मेन मोटो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यूनेस्को, एंड इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1945 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस सिटी ऑफ द फ्रांस। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस यूनेस्को। तो देखते हैं UCCN, UNESCO Creative Cities Network was also created by UNESCO. तो हमारा आज का टॉपिक है UNESCO UCCN, तो उसी को देखते हैं। UCCN, UNESCO Creative Cities Network, it has been created worldwide, but we will study only for India. What is the role of UCCN in India? दोस्तों, there are 7 creative fields the UNESCO has established. That 7 creative fields कौन से है ये हम देख लेते हैं। And cities for each creative field, which are the cities, we will see that. 7 creative fields. Creative fields, मैं एक टेबल बनाता हूँ। And related cities, creative field,
एंड रिस्पेक्टिव सिटीज, रिस्पेक्टिव सिटीज जो सिटी उन्होंने इसके लिए डेवलप की है या उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सिटीज हम देख लेंगे। दोस्तों एक नंबर है क्रिएटिव फील्ड हम देख रहे हैं, उसमें है क्राफ्ट्स, दूसरा है फोक आर्ट, थर्ड है मीडिया आर्ट, बाद में फोर्थ है हमारा लिटरेचर, लिटरेचर, फिफ्थ है गैस्ट्रोनॉमी, सिक्स्थ है फिल्म एंड डिजाइन, एंड सेवन्थ है म्यूजिक। ऐसे सेवन क्रिएटिव फील्ड्स एजुकेशनल सेंटीमेंट कल्चरल डेवलपमेंट के लिए यूनेस्को हैज क्रिएटेड दिस सेवन क्रिएटिव फील्ड्स, क्राफ्ट्स, फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, लिटरेचर, गैस्ट्रोनॉमी, फिल्म एंड डिजाइन एंड म्यूजिक थ्रू यूसीसीएन। तो इन इसके लिए कौन सी सिटीज इंडिया में डेवलप की है या कौन सी सिटीज में ज्यादा यूसीसीएन के जो क्रिएटिव फील्ड है, हर एक सिटी देख लेंगे हम, जो जो सिटी इस क्रिएटिव फील्ड के लिए फेमस है ये हम देख लेंगे। दोस्तों क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स इन दोनों के लिए जयपुर, जो कि राजस्थान में है, जयपुर सिटी इज द फेमस फॉर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी के लिए है हैदराबाद। बाद में फिल्म एंड डिजाइन के लिए बॉम्बे मींस मुंबई, और म्यूजिक, म्यूजिक के लिए है वाराणसी, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी एंड चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, दीज आर द सिटीज। बट लिटरेचर एंड मीडिया आर्ट्स के लिए कोई सिटी मुझे कंफर्म पता नहीं है, तो मैं ये बाद में बताऊंगा। दोस्तों क्रिएटिव फील्ड्स एंड उसकी करस्पॉन्डिंग सिटीज आर गिवन हियर, सो आप ध्यान में रख सकते हैं। बाद में इसमें एक टर्म है गैस्ट्रोनॉमी, ये आपको शायद पता नहीं होगी गैस्ट्रोनॉमी क्या है, क्योंकि ये थोड़े से अलग है, तो हम ये देख लेते हैं गैस्ट्रोनॉमी क्या है। तो दोस्तों गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ चूजिंग, चूजिंग, ईटिंग एंड कुकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स। इसके लिए गैस्ट्रोनॉमी ये वर्ड यूज किया गया है। इट इज द प्रैक्टिसेस ऑफ चूजिंग, ईटिंग, कुकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, और इसके लिए हैदराबाद ये सिटी जो इंडिया में है वो फेमस है।